हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलॉइड और अ कोलाइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू दी रिलेटिविटी। स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल मिल्क। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये आपको मिल्क दे दी है, मिल्क से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मिल्क जो है वो एग्जाम्पल है कोलॉइडल सोल्यूशन का। अब मिल्क में आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि उसका जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क किस किस चीज से बना है? वाटर से, फैट से, प्रोटीन से, ठीक है? इन तीन चीजों से मिल्क बना है। अब ये तीनों ही चीजें जो हैं वो साथ में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, वो साथ में इस तरीके से मिक्स हुई होती हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप स्पून जो है स्पून की हेल्प लोगे, नाइफ की हेल्प लोगे, अगर आप उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब भी छोड़ दोगे तो भी वो सेटल डाउन नहीं होगा। इसीलिए यहां पे लिखा है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इट अपियर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली इट इज अ हेटेरोजेनस, ठीक है? सो यहां पे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया है कि उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो सस्पेंशन से तो स्मॉलर होता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, ठीक है? सो इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। अब कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं उनका पार्टिकल साइज जो है वो है तो स्मॉल, ठीक है? इतना स्मॉल है कि वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है? लेकिन जो ये पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से बड़े जरूर हैं क्योंकि इनमें से जो बीम ऑफ लाइट है वो पास जैसे ही हम कराते हैं उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है? और जो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट है वो लार्ज पार्टिकल्स में ही पॉसिबल है, ओके? सो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो पार्टिकल साइज है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है? तो इस वजह से इतना भी छोटा नहीं है कि जो लाइट है वो इजीली पास थ्रू कर जाए एंड कोई डेफिनेट पाथ ना बने, लेकिन इतना भी ज्यादा लार्ज नहीं है कि जो चीजें हैं वो ओपेक हो जाए, ठीक है? तो इसलिए यहां पे स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट डेफिनेटली हो पाएगी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है? और ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर। आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी जो मेड है या आपके जो मदर हैं वो कभी झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, डस्टिंग कर रहे हैं, और उस टाइम पे आपके घर के अंदर सन की रेज आती है, ठीक है? एंड सन की जो रेज आ रही हैं उसमें आप देख पा रहे हो कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो काफी जिगजैग पोजीशन में मूव कर रहे हैं और बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, ठीक है? इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये देखिए, अगर आपको टिंडल इफेक्ट एक्सपीरियंस करना है तो आपको क्या करना होगा? यहां पे ए पार्ट में रखा है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, बी पार्ट में हमारे पास रखा है मिल्क, ठीक है? अब ट्रू सॉल्यूशन में आप चाहो तो यहाँ पे शुगर इन वाटर ले सकते हो या फिर सॉल्ट इन वाटर भी ले सकते हो, ठीक है? स्टर कर देना है, डिजोल्व हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको रखना है मिल्क का एक ग्लास, ठीक है? एंड देन बीम ऑफ लाइट जो है वो आपको पास करानी है इन दोनों से। सो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है। पास तो हो गई है लाइट, ओके, पास हो गई है लेकिन स्कैटरिंग नहीं हुई है। स्कैटरिंग क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना ज्यादा स्मॉल है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा।
लेकिन अगर हम मिल्क की बात करेंगे, सो मिल्क से ये पास भी हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाता है, ठीक है, और साथ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होती है, क्योंकि जो इनका पार्टिकल साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इस तरीके से आप इसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अब यहीं पे आपको ऊपर जो एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का, वो भी दिया हुआ है फिगर 2.4 के ऊपर। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू दी कनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन दी फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट जो है वो हमें फॉरेस्ट में नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो मिस्ट होती है, यानी कि जो वाटर का कंटेंट होता है, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, यहाँ पे ये एक्ट करती हैं एज अ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट ट्रीज के बीच में से निकलती है, तो हम टिंडल इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। सॉरी, मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो गया था, तो इसलिए आप लोगों को अभी वाला जो पार्ट है वो दिखाई नहीं दिया होगा। कोई बात नहीं, आप अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 18 ओपन कर सकते हैं एंड देन उसको वहां पे पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। सो वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। अ कोलॉइड इज अ हेटरोजेनियस मिक्सचर। याद रहे, मैंने आप लोगों को भी बताया था कि इट अपियर्स टू बी होमोजेनियस, बट एक्चुअल में ये हेटरोजेनियस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। इसका जो पार्टिकल साइज है वो इतना स्मॉल होता है कि हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, ठीक है। सो जो ट्रू सोल्यूशन है वो स्टेबल है, कोलॉइडल सोल्यूशन भी स्टेबल है, लेकिन जो सस्पेंशन सोल्यूशन है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है। पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें, ट्रू सोल्यूशन में सबसे छोटा होता है, कोलॉइड्स में उससे बड़ा होता है, सस्पेंशंस में सबसे बड़ा होता है। होमोजेनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजेनस होते हैं, कोलॉइड्स हेटरोजेनस होते हैं एंड सस्पेंशंस भी हेटरोजेनस होते हैं। अगर हम पार्टिकल साइज को देखने की बात करते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलॉइड्स की अगर हम बात करें, तो उनके पार्टिकल्स भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सस्पेंशंस की बात करते हैं, तो हम उनके पार्टिकल्स को नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं। तो ये था इनके बीच में डिफरेंस। अब इसके बाद एक और पॉइंट है इसका, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है, सो उसे भी पढ़ लेते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, आई एम सॉरी, बार बार जो पार कट है वो लग रहा है, सो कोई बात नहीं, लेट्स बिगिन, लेट्स कॉन्टिन्यू। कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि फिल्ट्रेशन के थ्रू उनको पास नहीं कराया जा सकता। ओके, सॉरी, वो पास कर जाते हैं, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो फिल्ट्रेशन को पास कर जाते हैं, फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं, यहां से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इनको सेपरेट करने का जो टेक्निक है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड सेंट्रीफ्यूगेशन हम आगे भी पढ़ेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो कोलॉइड्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ लेना है ये वाला पॉइंट। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है उसमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है, इसी तरीके से अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होगा? सॉल्वेंट। डिस्पर्स्ड फेस क्या होगा? सॉल्यूट।
और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो इनकी नेमिंग है उसमें डिफरेंस है, ठीक है, बात एक ही है. ओके, डिस्पर्स्ड फेज इज व्हाट? सॉल्यूट. एंड डिस्पर्जन मीडियम इज व्हाट? सॉल्वेंट. द सॉल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट्स और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कॉम्पोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम. Colloids are classified according to the state, that is solid, liquid or gases, of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given in table 2.1. From this table, you can see that they are very common every day. So, अगर हम colloids की बात करते हैं, colloids के बहुत सारे examples हैं जो कि आपको table number 2.1 में दिए गए हैं. ये देखिए टेबल 2.1 में कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स हमें दिए हैं. यहां पे जो डिस्पर्स्ड फेज है यानी कि सॉल्यूट, ठीक है, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, डिस्पोजिंग मीडियम गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड. दैट मींस हो क्या रहा है यहां पे, मिक्सिंग हो रही है बिटवीन लिक्विड एंड गैस, मिक्सिंग बिटवीन सॉलिड एंड गैस, गैस एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड. अब इनके नाम भी अलग अलग हैं. लिक्विड एंड गैस को क्या बोलेंगे? एरोसोल. एग्जाम्पल फॉग क्लाउड मिस्ट. सॉलिड एंड गैस को क्या बोलेंगे? एरोसोल. एग्जाम्पल स्मोक ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ठीक है, सो ये जो टेबल है ये भी आपको लर्न करना है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को एज इट इज याद करना है. इसमें कुछ लॉजिक नहीं है समझाने वाला, अगर मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा भी तो इसी तरीके से समझाऊंगा, विच इज वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है, तो टाइम को हम लोग सेव करेंगे, आप लोग इसे याद करोगे एंड मुझे भेजोगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.